सुप्रभात बच्चों, मैं चंदन कुमार सिंह, सहायक शिक्षक भगतपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह, आज आपके सामने विषय इतिहास का अध्याय एक, जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने कक्षा 9 में भी यूरोप के इतिहास से संबंधित जानकारियां दी हैं, आज हम लोग उसी घटनाक्रम के आगे के भाग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इस चार्ट में दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर है जो कि अध्याय एक के शुरुआत में ही एक तस्वीर दिखाया गया है, जो एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियू के द्वारा बनाया गया है। आप देखेंगे इस चित्र को ध्यान पूर्वक, तो इसमें आप पाएंगे कि यूरोप के बहुत से देश एक जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में फ्रेडरिक सॉरियू ने 1848 ईस्वी में इस चित्र को बनाया था, उसमें उन्होंने अपनी कल्पना का एक संसार रचा जिसमें लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर यह बना था। इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखने पर हम लोग देखते हैं कि इसमें एक जुलूस आगे बढ़ रहा है, जुलूस के ठीक सामने एक देवी की प्रतिमा है जिसकी वंदना करते हुए लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी देश के लोग अपने अपने देश का झंडा थामे हुए हैं और इस दृश्य में ऊपर से सर फरिश्ते ईसा मसीह इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। फ्रेडरिक सॉरियू ने यहाँ पर यह दिखाना चाहा है कि यूरोप के सभी राष्ट्र किस प्रकार से एकजुट थे, किस प्रकार उनमें भाईचारे की भावना थी, इसको उन्होंने चित्रित किया है। इस चित्र में एक भाग में दिखाया गया है कि किस प्रकार से निरंकुश शासकों के जो विध्वंस हैं, जो उनके अवशेष हैं, वो बिखरे पड़े हैं। यानी उनके कहने का तात्पर्य था कि उस समय जितने भी यूरोप में निरंकुश शासक थे, वे सभी धराशायी हो चुके हैं और इसे फ्रेडरिक सॉरियू का यूटोपिया कहा गया। बच्चों, यहाँ पर दो पारिभाषिक शब्द आए हैं जिनके बारे में पहले हमें जान लेना बहुत जरूरी है, एक निरंकुशवाद और दूसरा कल्पनादर्श या यूटोपिया। इस चित्र के बारे में कहा जाता है कि यह फ्रेडरिक सॉरियू का यूटोपिया है। यूटोपिया, जिसे हिंदी में कल्पना दर्श कहते हैं, इसका अर्थ है एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार हो पाना संभव नहीं है। यानी यदि हम कल्पना करें कि कल से हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, कोई मौत नहीं होंगे, सबों की प्रति व्यक्ति आय 10 लाख रुपए वार्षिक होगी, तो यह मेरा यूटोपिया होगा, यानी इसे वो पाना काफी असंभव है। यह फ्रेडरिक सॉरियू का यूटोपिया था। इसी प्रकार निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था या सत्ता जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुश सरकार कहा जाता है। जैसे कोई सरकार है या कोई राजा है जिसके ऊपर न कोई भी नियंत्रित शक्ति, न कोई
प्रकार का कानून न कोई संविधान है, तो ऐसे में माना जाएगा कि वह निरंकुश शासक है। उसके जो आदेश हों वो चाहे प्रजा के लिए लाभदायक हों या हानिकारक, उसे स्वीकार करना है। इसे निरंकुश सरकार कहा जाता है। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार हमारा अगला बिंदु है। हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में इसकी चर्चा करूँगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां एक अत्यंत ही अयोग्य और निरंकुश शासक था। उसने फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से संभाल नहीं पाया। समाज में भी 3 वर्ग थे, प्रथम स्टेट कुलीन वर्ग, द्वितीय स्टेट पादरी वर्ग, तृतीय स्टेट जनसाधारण वर्ग, जिसमें से तृतीय स्टेट से ही केवल कर लिया जाता था और उनका शोषण किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में वहां पर इनके अलावे अन्य परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई, जिसका परिणाम फ्रांस की क्रांति हुई। और फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वैसे तो कहा जाता है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल में फ्रांस ये राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ था, परंतु राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति में ही हुई। यहां पर क्रांति हुई, परिणाम यह हुआ कि सत्ता राजतंत्र से निकलकर जनता के हाथों में आ गई, यानी अब वहां का शासन जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि के द्वारा होने लगा। ऐसी व्यवस्था फ्रांस में फ्रांस की क्रांति के बाद कायम हुई, यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ऐसी परिस्थिति में हमारा अगला बिंदु है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदम। जब फ्रांस की क्रांति के बाद वहां पर गणतंत्र राष्ट्रवाद की स्थापना हुई, तब वहां के क्रांतिकारियों ने वहां के लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांस देश के प्रति लोगों में श्रद्धा भक्ति और उसके प्रति त्याग की भावना का जन्म देने के उद्देश्य से वहां के क्रांतिकारियों ने वहां के नागरिकों में सामूहिक पहचान का पैदा भाव पैदा करने का संकल्प लिया। और इस कार्य हेतु उन्होंने अनेक कदम उठाए। जैसे पहले हम देखते हैं पितृभूमि और नागरिक। क्रांतिकारियों ने फ्रांस में पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार को जन्म दिया, यानी वहां के लोगों को यह एहसास कराया कि ये जो फ्रांस की संपत्ति है, यहाँ का जमीन है, यहाँ का सब कुछ है, ये हमारी पैतृक विरासत है, पैतृक संपत्ति है। और हम सभी अन्य राज्यों अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं, बल्कि एक पूरे फ्रांस के नागरिक हैं, यानी हम लोग सभी फ्रांसीसी हैं और सभी इस आधार पर समान हैं। नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। एक झंडा, पहले क्या स्थिति थी कि फ्रांस के विभिन्न राज्यों का अपना अपना झंडा हुआ करता था, अब एक झंडा तिरंगा फ्रांस में चुना गया। झंडा जो है राष्ट्रवाद का एक, कहा जाए तो एक स्पष्ट अभिव्यक्ति होता है। कोई सी जो भी अपने देश के झंडा को देखने के बाद उसके प्रति एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है, उसमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। स्टेट्स जनरल, फ्रांस में स्टेट्स जनरल था जहाँ पर कानून आदि बनते थे, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और नेशनल असेंबली में जो चुनाव का अधिकार था वो सक्रिय नागरिकों को दिया गया। सक्रिय नागरिक
वैसे नागरिकों को फ्रांस में कहा जाता था जो अपनी कमाई का 3 दिन का मजदूरी कर के रूप में अदा करते थे, वैसे नागरिकों को वहां पर मताधिकार का अधिकार दिया गया। स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। फ्रांस में वहां के कवियों लेखकों ने वहां पर दोहे गाए, कविताएं गाए, स्तुतियां रची गई। महापुरुष जो थे, शहीद थे, उनका गुणगान किया गया। हम अपने ही देश में देखते हैं कि अन्य अवसरों पर हमारे जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, इन सबों की कृतियां गाई जाती हैं, इनके बारे में बताया जाता है ताकि बच्चों में अपने देश के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो। नई केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, पूरे फ्रांस में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई ताकि अन्य जगहों पर जो सभी कानून थे वे सभी एक साथ पूरे देश के लिए एक कानून चले। सभी नागरिकों के लिए समान कानून, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बने। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था कि कोई पादरी वर्ग है, कोई कुलीन वर्ग है, कोई जनसाधारण वर्ग है, सबों के लिए एक समान कानून। माँ बरतौल की एक समान व्यवस्था, प्रत्येक क्षेत्र में माँ बरतौल की अलग अलग व्यवस्था थी, अब सब जगह पूरे फ्रांस में एक समान माँ बरतौल की व्यवस्था की गई। इससे व्यापार को सहूलियत मिली, सभी जगहों पर सामानों वस्तुओं का जो आदान प्रदान हो रहा था, आवागमन हो रहा था, उसमें काफी दिक्कतें आती थी पहले, लेकिन अब एक समान हो जाने से सब जगह पर उसका हिसाब रखना और उसका जो आवागमन है वो बहुत ही सुविधापूर्वक हो गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, विभिन्न राज्यों में वस्तुओं के ले जाने और ले आने में हर जगह सीमा पर शुल्क अदा करने पड़ते थे, इस शुल्क को क्रांतिकारियों ने समाप्त कर दिया। फ्रेंच भाषा पूरे फ्रांस में लागू, पूरे फ्रांस में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी, अब पूरे फ्रांस में एक भाषा सिर्फ फ्रेंच भाषा को लागू किया गया। यूरोप के विभिन्न शहरों में जैकोबिन क्लब का गठन। बच्चों, जब वहां पर क्रांति हुई, राष्ट्रवाद पनपा, वहां पर क्रांतिकारियों ने इन सुधारों को किया, इसके बाद इन लोगों ने फ्रांस के बाहर अन्य राज्यों में भी अपनी आंखें जमानी शुरू कर दी और यूरोप के अन्य राज्यों को भी ऐसा महसूस हुआ कि फ्रांस में जितनी अच्छी व्यवस्था हो गई है उस प्रकार की व्यवस्था हमारे देशों में भी हो। और फ्रांसीसी सेना जब वहां पर गई तो उनका बहुत ही ढंग से स्वागत किया गया, ये हमारे देश के कल्याण के लिए यहाँ पर आई हुई है। और फ्रांसीसी सेना वहां पर पहुंची, यूरोप में विभिन्न देशों में जैकोबिन क्लब, एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। और फिर देखते हैं फ्रांसीसी सेनाओं द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार, और फ्रांसीसी सेनाएं यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने लगी। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के क्षेत्रों में घुसी, लेकिन धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों को यह एहसास होने लगा कि फ्रांसीसी सेना सिर्फ यहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने ही नहीं, यहाँ पर वो शासन और शोषण के ख्याल से भी आए हैं। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस में जब नेपोलियन का शासन हुआ, पहले नेपोलियन बोनापार्ट कौन था इसके बारे में हम जानेंगे। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में हुआ था। बचपन से ही पराक्रमी, वीर, साहसी और युद्ध कौशल की निपुणता इसमें भरी हुई थी।
सिर्फ 25 वर्ष की अवस्था में नेपोलियन सेना में भर्ती हो गया और एक वीर सेनानायक के रूप में उभरा और 1804 ईस्वी में इसने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियां प्रतिकूल थी उस समय, ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने सैन्य बल के आधार पर फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने यानी नेपोलियन ने फ्रांस और फ्रांस शासित अन्य देशों पर जो कार्य किए उसका वर्णन अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नेपोलियन गद्दी पर जब बैठा तो उन्होंने पाया कि पूरे फ्रांस में हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कानून हैं, जिससे काफी प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं। तो उन्होंने पूरे फ्रांस के सभी क्षेत्रों में प्रचलित कानूनों का संग्रह करवाया और सभी से अच्छी बातों को लेकर उसका एक संकलन तैयार किया और उन्होंने 1804 ईस्वी में जो दस्तावेज बनाए उसे 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता कहा जाता है। उन्होंने इस आधार पर जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी जो कुलीन का बच्चा है वो कुलीन वर्ग में होगा, पादरी वर्ग का बच्चा पादरी वर्ग का होगा, यानी जो जिस घर में जन्म लिया, जो जिस क्षेत्र का जन्म है उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा, उसी क्षेत्र का वो स्पेशली काम करेगा, इस अधिकार को उसने समाप्त कर दिया, यानी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष बराबरी और समानता का अधिकार, सभी लोगों को कानून के सामने एक समान दर्जा मिले, चाहे वो कोई हो, राजा हो, प्रजा हो, कोई हो, सबों को एक समान कानून में अधिकार मिले और सबों को समानता का अधिकार उन्होंने दिया। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी, यानी जमींदारी व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिल गई। ये बहुत बड़ा कार्य था नेपोलियन का। वहाँ के किसान काफी त्रस्त थे, काफी शोषित थे, उन्हें भू दासत्व करना पड़ता था, वे बड़े बड़े किसानों के घर में जाकर दास के जैसा काम करते थे, वैसे किसानों को शुल्क से और भू दासत्व से मुक्ति मिली। हम देखते हैं आगे यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार। नेपोलियन ने यातायात और संचार व्यवस्था में भी काफी सुधार किए, क्योंकि यातायात और संचार व्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ होती है, लोगों का आवागमन, संस्कृति का आवागमन इसी के माध्यम से होता है। एक समान माप और तौल की व्यवस्था हमने अभी चर्चा किया, एक समान माप और तौल की व्यवस्था व्यापार व्यवसाय के लिए कितना जरूरी है, यह अगर नहीं हो तो विभिन्न राज्यों के बीच में व्यापार करना काफी दिक्कत हो जाएगा। एक राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन, पूरे फ्रांस में एक मुद्रा का प्रचलन कर दिया इन्होंने। नेपोलियन ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की। इन सबों प्रशासनिक सुधारों को नेपोलियन ने फ्रांस और फ्रांस द्वारा शासित क्षेत्रों में भी इन्होंने इसका पालन करवाया। इस समय तक फ्रांस के द्वारा जितने भी यूरोप के देश पर विजय किया गया था उन लोगों को पूरी तरह से महसूस हो गई कि फ्रांस हमारे देश में सिर्फ राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने नहीं बल्कि हमारे देश पर शासन करने का उद्देश्य से आया है। अब हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ और फिर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या घटनाएं हुई, इस पर अब हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों 18वीं सदी के तक यूरोप में राष्ट्र राज्य नाम का कोई शब्द नहीं था, कोई राष्ट्र राज्य नहीं था। मैं यहां सबसे पहले राज्य
राज और राष्ट्राय, ये तीन शब्द इस अध्याय में बार बार आएंगे। पहले इसे समझते हैं। राज उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उसे कहा जाता था जहां की जनता को किसी प्रकार का राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, दूसरे देश के लोगों द्वारा वहां पर शासन चलाया जा रहा है, यानी जैसे मुगल साम्राज्य हमारे देश के लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, शासक दूसरा राज्य दूसरा देश के लोग हैं, वैसे वो राज्य कहा गया। राज यहां पर क्या है, शासक दूसरे देश का है लेकिन राष्ट्रवाद का उदय हो गया है। जैसे भारत में देखा जाए तो अंग्रेजों के शासन का शासक इंग्लैंड का था लेकिन भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, अपने राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हो गया था, तो इसे राष्ट्र कहा जाएगा। राष्ट्र राइट यानी राष्ट्रीयता की भावना भी काफी चरम पर है लोगों में और अपने देश का ही शासक वहां पर शासन कर रहा है तो उसे राष्ट्र राइट कहा जाएगा। तो उस समय यूरोप में लोगों में सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी, सभी का अलग अलग भाषा था, अलग अलग संस्कृति थी, सभी क्षेत्र के लोग अपने अपने संस्कृति को रखे हुए थे, सबका रहन सहन खान पान आचार व्यवहार सामाजिक संस्थान सभी अलग अलग प्रकार के थे। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत जो थे टीरोल ऑस्ट्रिया बोहेमिया ये सभी अपने क्षेत्र के ही वासी मानते थे, जैसे टीरोल वाले कहते थे हम टीरोल वासी हैं, ऑस्ट्रिया वासी हैं, बोहेमिया वासी हैं, ऐसी स्थिति थी उस समय। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, यह बात को हम लोगों को अपने मस्तिष्क पर हमें अपने मानस पटल पर अंकित कर देना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद 19वीं सदी की देन है और सिर्फ दो कारण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा नेपोलियन के द्वारा किया गया युद्ध या उसका विजय अभियान। ये दो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार या राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक वातावरण को तैयार किया। यूरोप में अब क्या हो रहा है, जो राजा के साम्राज्य है यानी राजतंत्र है उसकी जगह पर नए नए राष्ट्रराज्य का उदय हो रहा है। हम लोगों के पुस्तक में राष्ट्रराज्य की जो परिभाषा दी गई है वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार है। अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रराज्य क्या है, ये परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र की परिभाषा जो दी है उसके अनुसार एक राष्ट्र राज्य लोगों की त्याग वीरता और निष्ठा की चरम बिंदु होता है जिसमें उसके गौरवमयी अतीत अनेक महापुरुषों के नाम जुड़े होते हैं, यानी हम अपने देश का उदाहरण लें उन्हीं की परिभाषा के आधार पर तो हम देखते हैं कि हमारा ही देश स्वतंत्र हुआ एक राष्ट्र बना तो उसमें असंख्य लोगों ने अपने बलिदान दिए, असंख्य लोगों ने अपनी वीरता का परिचय दिया, अपने जान गंवाए, उनकी निष्ठा देश के प्रति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ कि भारत एक राष्ट्र बना। उसी प्रकार से अर्नस्ट रेनन ने अपनी परिभाषा में जो वर्णन किया है वो है कि एक राष्ट्र है अनेक लोगों का त्याग निष्ठा के चरम बिंदु होता है जिसमें उसके गौरवमयी अतीत और कई महापुरुषों के नाम जुड़े होते हैं। अब हम लोग उस समय की यूरोप की सामाजिक स्थिति के बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे कि हम लोग
पिछले क्लास में पढ़े थे कि फ्रांस में तीन प्रकार के वर्ग वहां के समाज में थे, उसी प्रकार से उस समय भी यूरोप के समाज में तीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग जमीन का मालिक वर्ग था, यानी पूरे जमीन पर मालिकाना अधिकार कुलीन वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से यही वर्ग सबसे प्रभावशाली था फ्रांस। ये फ्रेंच भाषा बोलते थे, इनके पास काफी गांव में संपत्ति होती थी, शहरों में हवेलियां होती थी, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, लेकिन यह जनसंख्या का एक छोटा भाग था, यानी सबसे छोटा वर्ग था कुलीन वर्ग। श्रमिक वर्ग यह जनसंख्या का बड़ा हिस्सा था, इसमें छोटे छोटे किसान होते थे, किराएदार होते थे, भूदास होते थे। किराएदार कहने का अर्थ है कि वैसे किसान जो किसी से किराए पर लेकर खेती का कार्य करे, यानी बड़े किसानों से किराए पर जमीन ले, खेत ले और उसमें अपनी खेती करे, उत्पादन करे। मध्य वर्ग यह बहुत ही शिक्षित वर्ग था, इसमें वकील, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपति आदि होते थे। और उस समय यूरोप में औद्योगिकरण काफी तीव्र गति से प्रगति कर रहा, तो ऐसे स्थिति में वहां पर बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायिक वर्ग भी सामने आए और वही लोगों ने एक नया मध्य वर्ग यूरोप में एक प्रस्तुत किया। अगला बिंदु है उदारवादी राष्ट्रवाद। वैसे तो उदारवाद की परिभाषा विभिन्न परिस्थितियों, देश और विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न रही है, लेकिन यहाँ पर जिस उदारवाद का बात है उसके अनुसार उदारवाद यानी लिबरलिज्म, LIBERALISM, लिबरलिज्म लैटिन भाषा के लेबर से बना है, LIBER, लेबर से बना है, जिसका अर्थ है आजाद। उदारवाद का अर्थ है ये जो हम लोगों ने अभी मध्य वर्ग की बात की, जो नए मध्य वर्ग कहे जाएंगे, नए मध्य वर्ग के लिए व्यक्ति की आजादी, यानी सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्ति चाहे वो जिस वर्ग से हो सबों को कानून में एक समान दर्जा मिले, जनतंत्र। उदारवाद जो है वो जनतंत्र का समर्थक था, यानी वह एक ऐसी सरकार चाहता था जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त किया। हम लोगों ने इसके पहले के सभी पैरा में पढ़ा कि यूरोप में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, जमींदार वर्ग, ये सभी पूरे सिस्टम पर हावी थे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रोजगार, खेती, सभी पर उनका एक अधिकार था। वे जैसे चाहते थे उस प्रकार से उसको हैंडल करते थे। उन लोगों को जो ये विशेष अधिकार था कि पादरी वर्ग पादरी होगा, उसे कर भी लेंगे, उसको ये इन पर शोषण का अधिकार होगा, ये सब विशेषाधिकार की ये समाप्ति चाहते थे। यानी उदारवादी एक विचारधारा के लोग थे उस समय यूरोप के समाज में, इस विचारधारा के लोग थे जिनका इस प्रकार की सोच था। ये लोग संविधान और संसदीय सरकार का समर्थक थे, ये चाहते थे कि देश का एक संविधान हो, लोग उस संविधान के अंतर्गत रहें, शासन करें,
और इस प्रकार से देश की स्थिति राजनीतिक व्यवस्था चलेगी। ये निजी संपत्ति के पक्षधर थे, ये चाहते थे कि सबों का भूमि पर खेती पर अपना निजी स्वामित्व हो। बाजारों की मुक्ति यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी बाजार में जाकर अपने सामान को अपनी संपत्ति को बेच सकता है स्वतंत्र रूप से, ऐसा ये समर्थक थे। इन्होंने एक शुल्क सन 1834 में बनाया जिसे जॉर्बेराई संघ कहा गया, जो प्रसा में बना था, यानी जर्मनी के जितने भी महासंघ थे जितने भी राज्य थे सबों पर ये लागू था। उन लोगों ने अपने शुल्क अवरोधों जो भी तरह का शुल्क लिया जाता था उसे समाप्त किया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। इसके पहले पूरे जर्मनी में 30 प्रकार की उससे ऊपर मुद्राएं चल रही। रेलवे को बढ़ावा दिया, रेलवे एक ऐसा चीज है जो व्यापार व्यवसाय और उद्योग में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, तो रेलवे की भूमिका को बढ़ावा मिला। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि 1815 ईस्वी आखिर इतना महत्वपूर्ण यूरोप के इतिहास में क्यों है, आखिर ऐसी क्या क्या हुई जो 1815 की चर्चा अब आगे बार बार होगी। 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ और उस समय जिस प्रकार से भी हमने चर्चा किया कि उदारवाद समाज में एक दूसरे विचारधारा के भी लोग थे जिसे रूढ़िवादी कहा जाता है, और ये रूढ़िवादी लोग मानते थे कि समाज में राज्य की स्थापित संस्थाएं जैसे चर्च है, सामाजिक जो भेदभाव है, परिवार है, और भी पहले से जो सामाजिक संस्थाएं चली आ रही हैं वे बने रहे हैं। और रूढ़िवाद की परिभाषा पर हम लोगों ने कक्षा 9 में भी चर्चा किया था कि रूढ़िवाद क्या है, तो रूढ़िवाद एक ऐसा विचारधारा है जो समाज में स्थापित संस्थाएं आचार व्यवहार रीति रिवाज को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। ये समाज में विकास चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे यानी क्रमिक रूप से विकास को प्राथमिकता देते हैं, उसे रूढ़िवादी विचारधारा कहा जाता है। तो 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और जो सत्ता स्थापित हुई जो शासक वर्ग बने वे अधिकतर रूढ़िवादी विचारधारा के थे, लेकिन उन्होंने नेपोलियन के द्वारा जो कुछ अच्छे अच्छे परिवर्तन लाए गए थे जैसे सेना का निर्माण, सामंतवाद का जो सफाया था उनके द्वारा, जो अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया था, जो भूदासत्व की समाप्ति की गई थी, उन सबों को उन लोगों ने लागू रखा। इन चीजों को उन लोगों ने नेपोलियन के शासन की सारी चीजों को समाप्त कर दिया और एक नई शासन व्यवस्था कायम की जिसे रूढ़िवादी शासक वर्ग कहा जाता है यूरोप। तो इस वीडियो क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार प्रकार प्रचार प्रसार और फैलाव हो रहा है, किस प्रकार से उदारवादी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग अपने अपने क्षेत्र का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखना चाहेंगे। आप बच्चों अपने कॉपी और पेन को लेकर उसमें इन प्रश्नों को नोट कर लें और इसको होमवर्क कर आप जब मैं अगले वीडियो में दिखाऊं तो आप चेक करना पुनः। मेरा पहला प्रश्न है, निरंकुशवाद क्या है? जैसा कि अभी चर्चा हुआ, निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार है या ऐसी शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। बोर्ड की परीक्षा में इन प्रश्नों का काफी
मंत्र है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कल्पना दर्श, जिसे यूटोपिया भी कहा जाता है, क्या है? कल्पना दर्श या यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका बन पाना संभव नहीं है। प्रश्न तीन, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, जो 1804 में सिंहासन पर बैठा। प्रश्न चार, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, जो हम लोगों ने चर्चा किया अभी की पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार प्रसार किया, फ्रांसीसी झंडा तिरंगा बनाया, माप तौल की समान व्यवस्था की, आयात निर्यात शुल्क को खत्म किया, स्तुतियां रची गई, कविताएं बनाई गई, शहीदों का गुणगान हुआ, सभी नागरिकों के समान कानून बनाए गए, उसे आप पॉइंट में करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से पॉइंट में करके उसका उत्तर लिखेंगे। पॉइंट में लिखने से जब आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखते हैं तो उसका एक अलग इंप्रेशन होता है, उसमें अच्छी मार्किंग होती है। प्रश्न पांच, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए? यानी नेपोलियन ने फ्रांस और नेपोलियन ने जितने क्षेत्रों में अपनी विजय हासिल की उसमें सुधार के लिए क्या क्या काम किए, यानी नेपोलियन ने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए? जैसा कि चार्ट में दिखाया जा रहा है, नेपोलियन के सुधार, अभी हमने चर्चा किया कि नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता बनाई, जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए, कानून के समक्ष बराबरी और समानता का अधिकार, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, एक राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया, एक समान माप और तौल की व्यवस्था की। तो इन सभी चीजों को आप कॉपी पर लिखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः आप इसे जरूर ही अपने कॉपी पर लिख के इसको नोट कर याद करेंगे, और जब अगला वीडियो क्लास मेरा होगा तो आप लिखे हुए चीजों को मिलान करेंगे। फिर हम लोग अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।